इसको समराइज करते हुए जान कितने बची और पैंडेमिक जो चले जा रही है उसको पकड़ में लाने के लिए हमने क्या तीन चीजें अचीव करी हैं आप देख रहे हैं कि दर्शाता है कि अ लार्ज नंबर ऑफ डेथ हैटेड अल्टीमेटली पैंडेमिक का जो असर है जिसको कि हिस्ट्री में फिर लिखा जाएगा कहा जाएगा वो यही है कि मौतें कितनी हुई लॉकडाउन की वजह से एक ये बहुत बड़ा मेजर था देशव्यापी था आसान फैसला नहीं था लेकिन अगर हम देखें कि उसकी वजह से डिजीज़ की ट्रांसमिशन जब रुकी तो हम हम एस्टिमेट कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि हज़ारों डेथ्स पोटेंशियली हो सकती थी इस पीरियड में लगभग दो महीने और थोड़ा सा कम समय में ये हो सकता था और ये नहीं हुआ और जो एस्टिमेट आपके सामने एक सिस्टमेटिक तरीके से लाया जा रहा है ऑल एस्टिमेट्स आर प्रोन टू एक्जम्पशंस ऑल एस्टिमेट्स कैन बी रिफाइंड विद इंक्रीज इंफॉर्मेशन बट इट इज अ पिक्चर दैट यू कैन सी कमिंग फ्रॉम मल्टीपल मॉडल्स वी कैन से दैट थर्टी सेवन टू सेवेंटी एट थाउजेंड डेथ्स वुड हैव बीन एवर्टिड हुई नहीं हो सकती थी इस बीमारी के फैलने से दूसरी बात जो सामने आ रही है केसेस कितने हो, हो जाते उन केसेस की जो गिनती की गई है वो उसी तरीके से की गई है जैसे कि हम कन्फर्म केसेज को रिपोर्ट करते हैं हम ये भी जानते हैं कि इन केसेज के बाहर भी एक ए सिम्टोमेटिक केसेज और हो सकते हैं क्योंकि हम एसिम्टोमैटिक को टेस्ट नहीं करते वो नहीं पता लेकिन जिस तरह से ये गिनती की जाती है और आपके सामने लाया जाता है वही नंबर हमने अपने मॉडल्स के पास अवेलेबल था उन्होंने इस्तेमाल किया और एम ने इस्तेमाल किया तो उसको अगर देखते हैं तो 14 से उनतीस लाख केसेस तक बचत दिखाई देती है अगर इसका मिडल नंबर आप देखना चाहेंगे और वो आता है यहाँ पे नीचे वाले रो में 20 लाख मिडल में आ रहा है केसेस जितने बचे और उसके अराउंड है 14 से उनतीस और चौवन हज़ार आता है और सैंतीस से अठहत्तर हज़ार तो ये कहा जा सकता है विद रीजनेबल कॉन्फिडेंस कि बहुत सारे केसेस होने से लाखों केसेस नहीं हुए क्योंकि हमने सबने एक फैसला लिया कि हम घर के लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करेंगे हमने फैसला लिया कि हम डिस्टेंसिंग करेंगे हमने और भी फैसले लिए कि आप मास्क पहनेंगे कंटेनमेंट की जद्दोजहद और तेज हुई जहां बीमारी गई उसको रोका सारा कुल मिला जो लॉकडाउन का फेज हुआ जिसमें लॉकडाउन ने मौका दिया इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए और सबसे बड़ी बात कि वायरस के लिए एक डिस्टेंस क्रिएट कर दिया गया वायरस एक से दूसरे को लगता है और लॉकडाउन में हमने उसके लिए मुश्किल कर दिया क्योंकि स्टैटिक हो गया काम दूरी बढ़ गई सोशल डिस्टेंसिंग एक ऑलमोस्ट परफेक्ट तरीके से होनी शुरू हो गई तो 20 लाख जो बीच की फिगर है 14 से उनतीस लाख केसेस नहीं हुए सैंतीस हजार से अठहत्तर हजार डेथ नहीं हुई ये दो एक नंबर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं लेकिन एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण हुई है सोचा जाए तो आप देखिए कि अगर बीस लाख केस और होते तो वो क्या कर रहे होते बाकियों को इन्फेक्शन दे रहे होते वो वो मात्रा भी कम हो गई हमारे देश में जो व्यक्ति इन्फेक्टेड हैं जिनमें वायरस होता आगे जो स्पीड से वायरस बढ़ेगा उसमें भी रुकावट हो गई क्योंकि आज देश में इतने ही जितने केसेस अवर्ट हुए वो और शायद और भी जो सिम्टोमेटिक है वो नहीं है इसलिए जो वायरस का प्रोग्रेशन है आगे का जो फ्यूचर है उसको भी संजोया उसको भी स्पीड कम करी उसका भी नंबर कम किया गया तो अगर हम ये गेन लाइव सेव्ड एपिडेमिक कंट्रोल्ड केसेज अवर्टेड इन्फेक्शन प्रडलिक्शन रिड्यूस्ड तो ये तीन पॉइंट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं इसको अब आगे बढ़ाते हैं इस बात को अब हम यह देखते हैं कि और क्या हुआ इस पीरियड के बीच में और वो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं इस, इस, इस पीरियड में लॉकडाउन की फेस में बहुत काम हुआ है लेकिन सबसे पहले एक बताना चाहेंगे कि जो आउटब्रेक है पैंडेमिक है हमारे देश में जितनी आई वो सिमट के रह गई है लिमिटेड लोकेशंस में इतने बड़े देश के बावजूद होने के बावजूद भी इतना एफर्ट जब सब देश ने लगाया लॉकडाउन का सब जुड़ गए इसमें और मुश्किल किया वायरस को ट्रांसमिट होने के लिए तो जो हमारी आउटब्रेक है वो सीमित हुई लिमिटेड जगह पे रह गई बहुत सारा देश जो है इससे बच के रह गया होते रहते हैं लेकिन अगर आप और जगह भी होते हैं जियोग्राफी में गया है लेकिन फिर भी अगर आप मोटे तौर पे देखें तो एक क्लियर पिक्चर सामने आती है आज के कल के कॉन्ट्रैक्ट केसेस को एक्टिव केसेस को अगर आप लीजिए एक्टिव केसेस जो कल थे तो 80 प्रतिशत सिर्फ पांच प्रदेशों में थे सिर्फ पांच और 90 प्रतिशत दस में थे बाकी 10 परसेंट बाकी 20 जगह पे, भी स्टेट में थे ये छोटी बात नहीं है दो महीने में बाकी देशों में कहां से कहां ये पैंडेमिक गई है जिन्होंने कोशिश भी करी उसके बावजूद भी सो so, इसको सीमित है ये इसको आप मान के चलिए वायरस एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ता है और सीमित किया गया और ये दिखा दर्शाता है कि हमारा क्या रिजॉल्व है यूनियन गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट्स का और सारी जनता का उससे भी आगे अगर बढ़ें तो स्टेट तो बहुत बड़ा होता है लेकिन उसमें अगर आप देखिए तो हमारे लिमिटेड नंबर ऑफ सिटीज़ में हमारी जद्दोजहद है आज साठ प्रतिशत सारे केसेस पाँच सिटीज में हैं सत्तर प्रतिशत दस सिटीज में हैं तो सिटीज तक सीमित रहा सिटी वाले ज़िले में सीमित रहा तो ये सीमित होना भी एक लॉकडाउन में जो एक्शन हुआ है लॉकडाउन में जो हमने पूरी अपनी मेहनत लगाई सबने, और एक माहौल बदला वायरस के ट्रांसमिशन का ये उसको दर्शाता है और ये हमारे लिए आगे मदद हुई है जब हम लॉकडाउन की रिलैक्सेशन की तरफ बढ़ते हैं तो ये जब सामने आता कि सीमित है तो बाकी एरिया में हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम उधर रिलैक्सेशन खुल सकते हैं और हमारी स्ट्रैटेजी आगे जो सशक्त हुई है ये भी इसका एक नतीजा है इसी तरह से डेथ्स को भी देख लेते अस्सी प्रतिशत जो डेथ्स हैं वो पांच स्टेट में हो रही हैं पचानवे प्रतिशत दस स्टेट में हो रही है उसके बाहर डेथ्स जो हो रही हैं सिर्फ पाँच प्रतिशत हो रही हैं फैली हैं बाकी भी हैं थोड़े थोड़े कई जगह बहुत ही कम है और फिर वो बात आती है कि ये तो सिटी वाइड डिजीज है अर्बन डिजीज है अर्बन, अर्बन डिस्ट्रिक्ट की डिजीज है और सात प्रतिशत डेथ्स जो है वो पांच सिटीज में है और सत्तर प्रतिशत दस सिटीज में है तो सीमित हुआ है ये संक्रमण इस सारे एफर्ट की वजह से ये दर्शाते हैं लेकिन आगे की तैयारी जो हुई है इस पीरियड में आगे के लिए जो तैयारी हुई है वो एक बहुत बड़ा गेन है एक बहुत बड़ा हमारे लिए संजोई हुई एक ताकत फ्यूचर के लिए पैदा हो गया हम फ्यूचर के लिए रेडी हो गए आज के लिए तो रेडी हैं आज तक तो कंट्रोल में रखा है लेकिन हम जो फ्यूचर में हमारी तैयारी हो गई है उसका ब्रीफ में मैं आपको लेखा देखा देना चाहूँगा सबसे पहले हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कोविड के लिए तैयार किया गया कोविड की बीमारी डेढ़ सौ दो सो दिन की बीमारी है था ही नहीं इस प्लैनेट पर ये वायरस इतने शॉर्ट पीरियड में लेस देन टू मंथ्स अगर आप देखें और ये चर्चा लव बताते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू तो टाइम लेकिन आज इसको कहना बड़ी जरूरी बात है अगर हम अपने डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स की बात करें जो टर्शरी केयर का लेवल होता है तो कहीं लगभग कुछ भी नहीं था जब शुरू किया तो आज एक फैसिलिटीज़ हैं और एक लाख पिचासी हज़ार तीन सौ छः बेड्स क्रिएट हो चुके हैं उनको रिपर्पज किया गया उनको तैयार कर लिया गया है और जो डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर्स होते हैं ऑक्सीजन की सुविधा जहां पे रखी जाती है सपोर्टिव केयर की 2402 फैसिलिटीज हैं और एक लाख अठतीस आइसोलेशन बेड्स जो हैं उसमें, उसमें जो बेड्स हैं वो उपलब्ध हैं तो लगभग कोविड के लिए अस्पतालों में तीन लाख चौबीस हजार के करीब बेड्स की व्यवस्था आज स्टेट गवर्नमेंट्स ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और नेशनल गवर्नमेंट ने करके तैयार करके रखी है हमने इस्तेमाल नहीं किया उसको कहीं कहीं ही इस्तेमाल हुई है लेकिन तैयारी जो है देशव्यापी तैयारी है ये और इसके अलावा जो हमारे सिंपल कोविड केयर सेंटर्स होते हैं जहाँ की सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है वॉच किया जाता है माइल्ड केस को या जो कि जिनकी रिपोर्ट आनी है उनको उनके लिए लगभग साढ़े छः लाख बेड्स की व्यवस्था की गई है ये एक मामूली अचीवमेंट नहीं है देश अपने अपने रिसोर्सेज के साथ जोड़ को ही लेते लेके इतने पूरे स्तर पर तैयार है इसको फेस करने के लिए और आगे की चुनौती को भी संभालने सम, के लिए तैयार है इसी तरह से अगला हम कहें कि ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्सेज की बात है सबको जोड़ा गया है मेडिकल फ्रेटर्निटी को जोड़ा गया है आयुष फ्रेटर्निटी को जोड़ा गया है नर्सिंग uh, प्रोफेशनल्स को जोड़ा गया है वॉलंटियर्स को लिया गया है इतनी बड़ी वर्कफोर्स बनाई गई है जो थी उसको तैयार किया गया है अगर मैं एग्जाम्पल लूँ कि ट्रेनिंग्स कितनी हुई हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि स्टेट की जो ट्रेनिंग्स हैं लगभग छप्पन लाख ट्रेनिंग्स हैव बीन डन छप्पन लाख और अगर वेबिनार्स देखें जो कि हमारे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस ने बनाए हैं आईसीएमआर ने बनाए हैं पीजीआई ने बनाए हैं सरकार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बनाए हैं तो उसमें 24 लाख ,00 व्यूअर्स कल तक थे जिन्होंने उनको सुना और ये काम रोज हज़ारों में बढ़ रहा है एक आई गॉट प्लेटफॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल का वहाँ पे 8.66 पॉइंट ,00 लाख यूनिक यूजर्स हैं जिन्होंने रजिस्टर किया और 11 लाख ,00 कोर्सेज को उन्होंने कंप्लीट किया है लोगों ने तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज की बात हो रही है कि कैसे ये तैयारी संभव हुई है क्रिटिकल केयर की ट्रेनिंग की बात करें या कि पीपीई को पहने की बात करें हेल्थ वर्कर्स को सिक्योरिटी के स्टाफ को तैयारी करने की बात करें तो ये तैयारी संभव हुई है ये नहीं थी अगर ये डिल्यूज की तरह इन्फेक्शन आती तो ये तो हमारे पास तैयारी नहीं थी ये संभव हो पाई है क्योंकि हमने एक बड़ा फैसला लिया टेस्टिंग कैपेसिटी की बात आप रोज़ ऐसे हमारे आपको अपडेट करते हैं जैसे आपको कहा गया एक लाख से ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं हर दिन और जैसे आज अपडेट किया गया है बाईस लाख के लगभग टेस्ट हुए हैं तो ये अपने आप में एक नमूना है पाँच सौ बाईस लेबॉरेटरीज़ क्रिएट हुई हैं पिछले आठ दस हफ्तों में अगर आप ये लेके चलें इसी तरह से सप्लाईज़ की बात होती है उसका भी आज ब्यौरा एक बारी देना चाहिए पी पी की बात करें तो लगभग तीस लाख पी जो हैं वो स्टेट्स को दे जा चुकी हैं एक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स आ गए हैं जो कोई भी नहीं थे थे ही नहीं दूसरे व्यवसाय में थे और उन्होंने 109 डोमेस्टिक हमारे देश के मैन्युफैक्चरर्स हैं और उनकी कैपेसिटी मुझे बताया गया है कि तीन लाख पर डे अब हो गई है बाहर से भी मंगाए जा रहे हैं और इसकी कमी भी पूरी की जा रही है इसी तरह से एन नाइन्टी जो स्टेट्स के पास तरतालीस लाख एंड नाइन्टी फाइव मास्क दिए जा चुके हैं इसी तरह से वेंटिलेटर्स की कमी को भी पूरा कर सक कर करा जा रहा है बड़ी तेजी के साथ और ये भी सीखा हमने कि वेंटिलेटर की नीड जो है वो कोविड के पेशेंट में उतनी ज़्यादा नहीं पड़ती जितनी कि हम शुरू में सोच रहे थे उसकी चर्चा भी कभी करेंगे तो सप्लाईज़ बढ़ी इक्विपमेंट बढ़ा ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी पहुंची है हर छोटी जगह पे भी इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ जो कि साथ साथ करना पड़ा क्योंकि ये एक वायरस ऐसा है जो पहले तो था नहीं इसकी गाइडलाइन तो बनी ही नहीं थी ये कोई टीबी जैसी बीमारी या डायरियल डिजीज नहीं है बच्चों की कि गाइडलाइन बनी हो तो जैसे जैसे जरूरत पड़ी बहुत तेजी के साथ ट्रीटमेंट गाइडलाइंस की चाहे बात हो चाहे सर्वेलेंस गाइडलाइन की बात हो टेस्टिंग गाइडलाइन की बात हो पेशेंट केयर की बात हो नर्सिंग केयर की बात हो प्रोटेक्शन की बात हो एनवायरमेंट में कैसे लुक आफ्टर ये सारी गाइडलाइन तेजी के साथ मिलजुल के साइंटिफिक तरीके से बनाई गई उनको तैयार किया गया उनके ऊपर कंसेंसस बनी और उनको अडॉप्ट किया गया प्रैक्टिस किया गया सर्कुलेट किया गया और जमीनी स्तर तक उनको पहुंचाया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमने अपने तरीके से किया हमने बनी बनाई बॉरों करके किसी के लेके कट कटपेश नहीं किया इसी तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिस्पॉन्स आपको मालूम है ये चर्चा हो चुकी है यहां पर अपने जो डायग्नोस्टिक किट बनने शुरू हो गए हैं चार पाँच छः सात कंपनीज ने बनाने शुरू कर दिए हैं और हमारी जो इंडिजिनस कैपेसिटी है अगले छः आठ हफ्ते के अंतर्गत पाँच लाख डेली किट्स की संभव होने वाली है इस स्पीड से ये इंडि, इं, इंडिजिनस है जो कभी था ही नहीं वो हो गया वायरस को कल्चर किया इसी एम ने उसी वायरस को लेके अब वैक्सीन बनाने की तरफ बढ़ गए हैं कम से कम पाँच कंपनीज हैं और कम से कम चार पाँच छः हमारे साइंटिस्ट हैं जो कि नेशनल लेबोरेटरीज में आज जूझ रहे हैं और 24 फोर सेवन मेहनत कर रहे हैं कि हम वैक्सीन की लड़ाई में सबसे आगे रहें अग्रसर हों और करके दिखाएं ड्रग ट्रायल्स हुए हैं सॉलिडारिटी ट्रायल डब्ल्यू का है वह चालू हो गया है फ्रेविपेरावीर एक दवाई है ओरल है दवाई उसका ट्रायल हो गया है एक फाइटो है इंडिजिनस है देश में बना उसका ट्रायल शुरू हो गया ऐसे और भी ट्रायल चालू होंगे सीरो एपिडमियोलॉजी का काम आईसी ने बहुत जोरों से उठाया है लगभग 60-70 जिलों में उसका रिपोर्ट आएगी तो हमें समझ और भी आएगी इस बीमारी के बारे में इस वायरस के बारे में और हम आगे बढ़ पाएंगे ये एस्टीमेट्स के बारे में भी रिफाइन करेंगे और इसकी स्ट्रैटी आगे क्या होने में उसमें बहुत बहुत मदद हमें मिलेगी इसी तरह से टेक्नोलॉजी के स्तर पर भी वेंटिलेटर बने हैं देश में और टेक्नोलॉजीज बनी हैं एक वेरी मैसिव रिस्पॉन्स और इसमें हमारी स्ट्रेंथ है क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्री है हमारे पास रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन्स हैं हमारे पास आई हैं हमारे पास नाइपर्स हैं तो ये एक जो रिस्पॉन्स माउंट हुई है वो देश के लिए ही नहीं है ये सारे विश्व के लिए है और ये तैयारी भी इसी दो महीने में हुई है जिसके का जिस कालखंड के बारे में आज हम आपस में चर्चा कर रहे हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग टेली एंड डिजिटल पुश हुआ है आरोग्य सेतु एक हमारा कवच है हमें मदद करेगा अपने आप को बचाने की हमारी कम्युनिटी को बचाने की डिजीज को सर्वेल करने की और काबू में लाने की ये एक अतुल्य शस्त्र है हमारे पास और मुझे खुशी है बताने में कि 10 करोड़ से भी ऊपर व्यक्ति जो हैं इसमें आज जुड़ गए हैं एक और एक अच्छा चीज़ हुई है और टाइमली हो गया कि टेलीमेडिसिन की मूवमेंट हमारे देश में एकदम से तेजी से बढ़नी शुरू हो गई है टेलीमेडिसिन की गाइडलाइन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने दी वो पहले से ही तैयार हो रही थी बिल्कुल लगभग पहले दूसरे दिन ही लॉकडाउन के उनको लागू किया गया है उससे एक फ्रेमवर्क मिलता है लीगल एथिकल फ्रेमवर्क मिलता है जिसमें कि हम टेलीमेडिसिन सेफली पेशेंट और डॉक्टर के बीच में हो सकती है और ये इतनी तेजी से आगे बढ़ी है एक तरह से रेवोल्यूशन हो रही है और इसमें ई संजीवनी का प्लेटफॉर्म बना है ये अपने आप में ही अच्छी चीज़ है और इतना टाइमली इसका यूज़ हुआ है ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क मैं कहूँगा इसी तरह से आगे ब्रीफली ए, करने की तरह बढ़ रहा हूँ एक, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है और बहुत यूजफुल चीज़ है हमारे हेल्थ केयर वर्कर और हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को इस पीरियड में जबकि बीमारी इतनी नहीं फैली हुई काम करने से एक्सपीरियंस मिला कॉन्फिडेंस हुआ उनके एस बने और आगे जब ये चीज़ें लंबी देर तक जाएंगी सिवियर भी हो सकती हैं तो फेस करने के लिए कॉन्फिडेंस मिला है हमने क्लिनिकल ट्रीटमेंट को सीखा कि ऐसे पेशेंट्स को कैसे मैनेज करते हैं हमें समझ आई जैसे कि ऑक्सीजन ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है जल्दी करेंगे तो मोर्टैलिटी लो है और देश ने लो मोर्टैलिटी को दिखाया करके उसके ऊपर मैं अभी एक मिनट में आ रहा हूँ लेकिन क्लिनिकल से समझ आई हमें हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि इस तरह से हम कैसे मैनेज करें टेलीमेडिसिन के द्वारा ये एक्सपीरियंसिस को एक दूसरे के साथ शेयर किया जा रहा है रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल लेवल से और ये कॉन्फिडेंस आता है कि हम ऐसे पेशेंट्स को मैनेज कर सकते हैं और एक बहुत बड़ी बात जो देश दिखाता है मोर्टैलिटी जो हुई भी है वो रेट इतना लो है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ कि हम हम बचे हैं बहुत हद हाँ तक और ये जैसे थ्री सॉरी 2.13 कोविड डेथ्स पर मिलियन है देश में चाइना में 3.34 थी और यूके में 519 हम क्या हैं 2.13 इसको संजोना है हमने और इस पीरियड ने हमें इसको इतने लो लेवल पे रखने में हमें पूरी सहायता मिली और संभव हो पाया है इसी तरह से अगर आप सोचिए कि एक वैक्सीन जो है वो 12 महीने के बाद ही आना था जो नई दवाई बारह महीने के बाद आनी थी तो इन दो महीनों में डिजीज को कंट्रोल करा लो मोर्टेलिटी रखी तो हमारा जो इंतजार का पीरियड है वो दस महीने रह गया हम उस तरफ जाने के लिए भी देश जो है बेटर पोजिशन में हो गया अगर ये नहीं होता ओवरवेलमिंग इन्फेक्शन फैल रही होती तो हमारा नुकसान हो चुका होता उस नुकसान की को बचाते हुए हम आगे फ्यूचर में भी बेटर आउटकम के लिए पहुँचे हैं और अबव ऑल जो कि देश ने करके दिखाया एक स्ट्रॉन्ग सर्वेलेंस सिस्टम कंटेनमेंट करी गई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करी गई देश में जगह जगह पे जाके उसका जिक्र मैंने पिछली कॉन्फ्रेंस में भी आपसे करा था दिस हैज बीन अ ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया नेक्स्ट वन सबसे बड़ी बात दो आती हैं एक तो यह है कि देश तैयार हुआ देश की व्यवस्था तैयार हुई एडमिनिस्ट्रेशन तैयार हुआ स्टेट्स हम सब ये नॉलेज जीरो से शुरू किया कुछ ही हफ्ते पहले लेकिन आज उसको मैनेज करने के लिए हमारी प्रदेश की सरकारें तैयार हैं ज़िले के एडमिनिस्ट्रेशन तैयार हैं उनको भी पता है कि कैसे इससे लड़ाई करनी है म्युनिसिपैलिटीज़ हमारी तैयार हैं और पंचायतें तैयार हैं है। सो देश को प्रिपेयरनेस के लिए जो वक्त मिला उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया और एक पूरी देशव्यापी तैयारी के साथ आज हम खड़े होकर कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि आगे की जर्नी को हम पूरे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं उस चैलेंज को हम मीट कर सकते हैं अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक जो शायद सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो है कि एक पीपल्स मूवमेंट हमारे देश में कोविड के खिलाफ शुरू हो गई है ये जो जंग है ये जंग नहीं है ये जन आंदोलन है इसमें हमने सिर्फ अवेयरनेस नहीं रखी कि हमें जानकारी हो ना जानकारी तो आसान है लेकिन हमने अपना बिहेवियर बदला प्रधानमंत्री जी ने इसको ही लेड फ्रॉम द फ्रंट टू गाइड अस हाउ टू चेंज आर बिहेवियर तो अवेयरनेस एक फर्स्ट लेवल होता है वो काफी नहीं होता बिहेवियर बदला हमने लॉकडाउन में वो बिहेवियर निभाया और आज हम सब उस बिहेवियर को निभा रहे हैं और इसको एक जन आंदोलन का रूप मिला है और यह जो संकल्प है इसको सिद्धि तक ले जाने के लिए कोविड को हराने के लिए हम जब सब इकट्ठे हो गए हैं ये एक सबसे बड़ी हमारी दृढ़ हमारी शक्ति होगी जैसे हम अगले जर्नी में हम आगे जाएंगे इस पॉइंट पे मैं कहना चाहूँगा कि हमें बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा अभी तक जो अचीव कर पाए हैं एक खास माहौल पैदा किया गया लेकिन अब हम रिलैक्स भी कर रहे हैं रिलैक्स करेंगे वायरस को चांस एक से दूसरे की तरफ बढ़ने के लिए मिलेगा वायरस बढ़ता है मैथमेटिकल तरीके से लेकिन उसकी मर्जी हम नहीं मानेंगे देश उसकी मर्जी से नहीं चलेगा हम उसके लिए रेजिस्टेंस पैदा करेंगे अगर हम उदाहरण लें तो प्लेन चला होता तो हेडविंड क्रिएट करेंगे कि ये वायरस नहीं आगे जाने देंगे और वो क्या हेडविंड है वो हेडविंड है कि हम किस तरह से वो प्रैक्टिसेस करेंगे जो कि वायरस को मुश्किल करता है एक से दूसरे तक जाने के लिए अल्टीमेटली तो दवाई होगी वैक्सीन होगा वो कवच हमारे पास कवच हमारे पास नहीं है लेकिन हम वायरस को आगे जो उसकी पुश है उसको उल्टी तरफ रोकने के लिए जो हम अपने सोशल डिस्टेंसिंग के स्टेप लेंगे उसमें हम कोई भी ढील नहीं दे सकते ये वायरस अभी घूम रहा है ये हम अभी एक्सपोज नहीं हुए हैं हमारे पास हर्ड इम्यूनिटी नहीं है इसलिए हमें चुकन्ने रहने हमें और तैयारी करनी है और इस वायरस के बारे में हम बहुत कुछ चीज़ें अभी जानते भी नहीं इसलिए अनसर्टनिटी भी बढ़ जाती है तो फिर वहीं पे बात आती है कि हमें मास्क लगाना है हमें दो गज की दूरी रखनी है हमने अपने हाथ की हाइजीन रखनी है तीन चीज़ें हमें अपने जो बुजुर्ग हैं और बीमारी वाले हमारे परिवार के मेंबर हैं उनको बचा के रखना है उनकी ज़्यादा देखभाल करनी है उनकी डिजीज़ का कंट्रोल भी बेटर करना है सिर्फ प्रोटेक्शन ही कोविड की नहीं सोचना है उनकी किडनी की प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट कंट्रोल में है डायबिटीज़ का कि नहीं बहुत ज़रूरी बनता है और क्योंकि हमारे पास आज वैक्सीन का या दवाई नई वाली दवाइयों का कोई कवच नहीं है तो जो आयुष की गाइडेंस मिली है हमें एडवाइजरी मिली है जो चीज़ें उसमें कही गई हैं अपने को बचाने के लिए चाहे चेवन प्राश है चाहे हल्दी का सेवन है चाहे काढ़ा का सेवन है उन चीज़ों को हम अपनाएं अपना न्यूट्रिशन ठीक रखें एक्सरसाइज करें ताकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉगर हो हमारे परिवार की हमारी कम्युनिटी की हमारी इम्यूनिटी बेटर हो ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है इसके अलावा दो चीज़ें और जरूरी हैं वो हैं कि जब भी बीमारी है तो जल्दी से उसको नोटिस में लाइए डॉक्टर साहब के जरूरत होगी टेस्ट होगा उसकी पद्धति बनी हुई है क्योंकि जल्दी डिटेक्ट होगा तो यह बीमारी माइल्ड है देर करेंगे तो यह बीमारी जो है भयानक रूप ले सकती है तो हमें एक मुहिम चलानी है कि केयर सीकिंग हैज टू बी अर्ली केयर सीकिंग हैज टू बी अप्रोप्रिएट वी शुड नॉट हाइड वी शुड नॉट अटैच मार टू दिस तो क्या होगा ये बीमारी है फेस करेंगे ऑलमोस्ट सभी बचेंगे हमारा मोर्टैलिटी रेट इतना लो है डरने से छुपाने से नहीं ठीक होगा और दूसरे को स्टिग्मेटाइज करना तो अनएथिकल है इमोरल है वो हम अपने समाज से उस चीज़ को हटाएंगे तभी हमारी लड़ाई पूरी हो पाएगी अर्ली केयर सीकिंग इज देयर फॉर इंपॉर्टेंट एंड लास्टली आरोग्य सेतु के साथ जुड़िए तो ये सात पॉइंट हैं मास्क दो गज की दूरी हैंड हाइजीन सेल्फ प्रोटेक्शन विद आयुष एंड गुड न्यूट्रिशन केयर ऑफ द एल्डरली अर्ली केयर सीकिंग एंड आरोग्य सेतु मैं चाहूँगा कि इन चीज़ों को हम अपनाएं आगे की जर्नी अभी आसान नहीं है और हमें ये ख्याल रखना है कि ये लॉन्ग हॉल होगा हफ्तों और महीनों की बात नहीं है उससे लंबी बात भी हो सकती है हमें हमारा गोल जो होगा अब वो होगा कि हमारे देश में बीमारी ना फैले और मिनिमम मिनिमम पॉसिबल डेथ्स हो हमें डेथ्स को बचाना है हमें क्लिनिकल केयर टाइमली क्लिनिकल केयर पहुंचानी है हमें यह ख्याल रखना है कि लोकल लेवल पे सिटी लेवल पे जो हमारा नंबर ऑफ केसेस है वो जो हमारी कैपेसिटी है बेड्स की उसे बहुत नीचे रहे उसको हम तोड़ नहीं सकते इसलिए सिटी लेवल एक्शन म्यूनसिपैलिटी लेवल एक्शन ब्लॉक लेवल जिला लेवल एक्शन इज द वे फॉरवर्ड और जैसे मैंने आपको दिखाया कि स्टेट के अंदर भी सिटीज में ही लोकलाइज होगा जिसमें सिविलइेशन का कोई रोल नहीं होगा ये इंक्वायरी बैन अकवामी मुसलमा असूल के मुताबिक एविएशन मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर की इजाजत से मुरतब करेगी इंस्पेक्शन होगी इंक्वायरी होगी इंक्वायरी के फैक्ट्स और फिगर्स सामने आएंगे जो कि मेरी भी जिम्मेदारी है और आप लोगों का हक है कि हम आपको वो शफाफ इंफॉर्मेशन सारी मुहैया करें